सज्जन ने पूछा है, शिकायत तो बहुत है तुमसे ये जिंदगी, शिकायत तो बहुत है तुमसे ये जिंदगी, पर चुप इसलिए हूँ कि जो भी तुमने मुझे दिया है औरों को नहीं दिया है। यह बड़ी अजीब बात है, हमारे मन में बड़ी शिकायत उठती रहती है, हमारी आदत बन गई है शिकायत करने की, हम धन्यवाद करना भूल चुके हैं, और यही कारण है हमारी पीड़ा का, यही कारण है हमारे दुख का। परमात्मा ने जो भी हमें दिया, हम उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद नहीं देते, हम शिकायत करते हैं परमात्मा से, जो तुमने वह नहीं दिया जो मुझे अभी तक नहीं मिला है। दुनिया का कोई व्यक्ति आज इस स्थिति में नहीं है कि कह दे कि मैं परमात्मा के दिए हुए प्रसाद से संतुष्ट हूं। जिसको जितना मिल जाता है वह उतना और चाहने की कामना करने लगता है। इसीलिए किसी शायर ने कहा, क्या जिंदगी तुमसे मेरी शिकायत बहुत है, क्योंकि बहुत कुछ तुमने मुझे नहीं दिया, लेकिन एक चीज के लिए मैं चुप हूं कि जो भी तुमने मुझे दिया है उतना दूसरों को नहीं दिया। दूसरे बहुत कम पाए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो छलांग नहीं लगा रहा, वो रो नहीं रहा, क्योंकि उसने परमात्मा को धन्यवाद करना सीख लिया। हम लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को धन्यवाद करना भूल गए। फिर भी शिकायत है कि पहाड़ की ऊंची से ऊंची शिखर पर क्यों नहीं पहुंचाया। यह जो पीड़ा है मन की, यही दुख का कारण बनता है आदमी का। आजकल तमाम लोग जो लाखपति हैं करोड़पति बनने के चक्कर में, करोड़पति हैं अरबपति बनने के चक्कर में, यह जो छटपटाहट है छलांग लगाने की, वही मनुष्य को डुबा देता है। तो जिस शायर ने इस बात की चर्चा की, मैं धन्यवाद देता हूं शायर को कि उसने इस बात को पकड़ ली संसार को, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जिसे आप खुश कर सकते हो। आप हजार कुछ कर दें, सारी जिंदगी आप उसको दे दें, शरीर से रक्त निकाल कर उसका पोषण कर दें, अरे माँ तो छाती से दूध निकाल कर बच्चे को पोषण करती है, और आज सरकार को कानून बनाना पड़ा है कि जो बच्चा बड़ा होकर अपनी माँ को पिता को देखभाल नहीं करता उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। इतनी बड़ी त्रासदी, जिस व्यक्ति ने छाती से दूध निकाल कर बच्चों को पोष पाल कर बड़ा किया, आज उसके लिए कानून का पैबंद लगाना पड़ा कि तुम अपनी माँ की सेवा करो। यह थैंकलेस लोग हो गया है आजकल। हमको कितना भी आप दे दीजिए, संसार दे दीजिए, फिर भी मैं नाखुश रहूंगा, यह मेरा स्वभाव बन गया है। और मैं यही कहता हूं आपको कि सारा दुख आपका एक क्षण में नष्ट हो जाए जब परमात्मा को धन्यवाद देना सीख लीजिए, परमात्मा को थैंक्स कहना शुरू कर दीजिए। लेकिन यह थैंक्स तभी निकलेगा मन से जब आपके भीतर संतोष आ जाए। संतोषम परमम सुखम, जिसको संतोष आ गया, परमात्मा ने जो दिया मस्ती है, आनंद है, मैं पूर्ण हूं, यह भाव आपके मन में आ जाए, सारी पीड़ा नष्ट हो जाएगी। हम लोग तमाम लोग आज रोने में विश्वास कर, कुछ लोगों का आप देखिएगा जब कभी भी बात होगी वो रोता हुआ मिलेगा, क्योंकि रोना उसका स्वभाव बन गया है, अपना दुख दूसरे को बताना उसका स्वभाव बन गया है। इसलिए कभी चिंता मत करो, फॉरगेट एवरीथिंग और आनंद में रहने की कोशिश करें, प्रेम पूर्वक रहने की कोशिश करें, आप देखेंगे कि दुनिया का सारा सुख आपके कदमों में आ जाए।